गाइस अभी मैं सीरिया चढ़ रही हूँ एंड देखो कितना प्रीटी है सो अभी चलते हैं ना सही प्लान चेंज हुआ ना एक्चुअली मैं आई बाइक राइड करके धन उसके बाद अचानक से प्लान चेंज हुआ कि यार आगे काली टिब्बा भी है मुझे याद था मतलब क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं आई हूँ यहाँ पे सॉरी मैं बताना भूल गई मैं काली टिब्बा पहुँच गई हूँ यहाँ पे तो ना बहुत नाइस मंदिर है बहुत ज़्यादा काली माता का एंड बहुत ज़्यादा मतलब इतना अच्छा लग रहा था यहाँ आके सीरियसली इतना प्यारा व्यू मतलब मैंने बहुत कम जगह में मिलता है देखने को इतना प्यारा व्यू नीचे जब मैं पहुंची थी आपको दिखाती हूँ वहाँ पहुंची थी वहाँ से तो कुछ अलग ही लग रहा था और ये सबसे ऊंचा मंदिर भी है यस और यहाँ पे जो ये चीज़ें बहुत नाइस है बहुत ज़्यादा नाइस सो अभी तो पहले मैंने दर्शन कर लेते हैं सोचा दर्शन करूँगी उसके बाद आप लोग कुछ बात करूँगी एंड अभी बहुत एक अलग ही फीलिंग आ रही है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़े आ रहा है सो हैप्पी अच्छा ही होगा जो भी होता है बुलावा सकते बुलावा आया है माता रानी का तो मैं आ गई यहाँ पे एंड अभी मैं यहाँ बैठ गई बस फील्स आ लूँगी यहाँ बहुत अच्छा लगती है अच्छी हवा आ रही है एंड वेदर भी बहुत ज़्यादा प्यारा हुआ है वाइट डिश वाइट बहुत प्यारा है गाइस मैं बताना भूल गई यस कुछ जो यहाँ पे नए आएंगे या कोई यहाँ पे नहीं आया हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ जैसे मैं चाइल्ड से जैसे आप पहुँचते हो चाइल्ड तो वहाँ से एटलीस्ट आई थिंक सो जैसे चाइल्ड पहुँचते उसके बाद ज़्यादा नहीं है 10 किलोमीटर्स होगा मे बी थोड़ा सा ही है और जैसे क्योंकि चाइल्ड में पहले से तो वहाँ पे अगर जाना था वहाँ से जा सकते गेट से एंट्री ऊपर को वहाँ से ऊपर से तो आपको पैलेस सीधे जाओगे वहाँ के लिए बनते काली टिब्बा के लिए आपको जाते हो बिल्कुल सीधा है एंड उसके बाद जाके आप यहाँ पहुँचते हो ये दूर से दिख जाएगा सो यहाँ पे बहुत प्यारा मंदिर है कोई नहीं है तो ज़रूर विज़िट करें यहाँ पे सीनरी हर जगह से इतनी नाइस लग रही है और सारे ना पहाड़ी वगैरह इधर से इतनी नाइस लग रही है ये वाली जगह बिल्कुल स्टार्टिंग की है जहाँ हम यहाँ से आए थे एंड इसके सामने कितना प्यारा लगता है यहाँ भी एक छोटू सा गार्डन भी है सो अभी मैं यहाँ पे थोड़ी फोटोज वगैरह लेती हूँ एंड देन आई विल मीट यू तो गाइस वापस निकल के और आगे देखो फिर से बुलेट वाले आ गए और हम निकल पड़े यहाँ से और अभी वादा इतना प्यारा हुआ है बिल्कुल दिन पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं थोड़ी ठंड होगी इसलिए मैंने स्वेटर भी पहन ली है सो कुफरी अब यहाँ से 14 किलोमीटर सच में इतना मज़ा आया क्योंकि इतने टाइम बाद सीरियसली बाकी बस ये वाले रोड बिल्कुल भी अच्छी नहीं है इतना ख़राब है मिस होगी पहले ही जाना मिस हो गया तो मेरा ऐसे बना कि यार मैं अकेली भी पहले क्या करूँगी जाके
अब अकेले भी वैसे मज़ा नहीं आता घूमने में, तो बिल्कुल ही अचानक बना प्लान काली टिब्बा, यार चलते हैं। 13 अभी है 13 किलोमीटर, और मेरा कैमरा पता नहीं कब तक साथ देगा मेरा, जब तक भी देगा। ये बुलेट का एक्सपीरियंस है ना यार, वो तो इतना किलर है, इतना खतरनाक है। सर तो मैं अपनी एक एक टायर से फियर से लड़ रही थी कि यार बुलेट तो मैं कभी चला ही नहीं सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये यार रोड अच्छे होने चाहिए यार। गाइस वहाँ से हम मतलब जब मैं वहाँ मंदिर से निकली ना, तो उसके बाद वहाँ पे जो बुलेट वाले थे वो भी आए चलाने दो, फिर मैंने भी बुलेट चलाई वहाँ पे। अब वो तो फॉर द फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा लगा। लोग बोलते कि भारी होती है थोड़ी भारी, बट मैं कहना कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब मस्त था। ब्रेकिंग भी इतनी अच्छी हुई और बहुत अच्छा लगा ना, फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना, तो बहुत ज़्यादा क्रेजी लगा। और बहुत अच्छा दिन था भाई आज का, तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग। मंदिर भी गए, दर्शन भी हुआ, इतने टाइम बाद बाइक भी चलाई और मोटर ब्लॉग भी हो गया, सब कुछ हुआ। और अभी मौसम चेक करो, ऐसा हुआ हुआ बिल्कुल धुंध पड़ी हुई है। सो अब हम यहाँ से सीधे ही निकल रहे हो क्योंकि बहुत लेट हो गया, 5 o'clock तो यहीं हो गया। ऊपर से कैमरे की बैटरी भी हो गई है ख़त्म, ये भी पता नहीं कितना चलेगा ये। सो अब मैं यहाँ से निकलती हूँ। आज का व्लॉग शायद बहुत बड़ा हो गया होगा, तो आज यही एंड करती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। बाय।